स्कूल से वापस आ गए हैं तो बहुत ही टफ था दिन, तो बहुत ही मुश्किल रहा है दिन। तो अभी अभी बहुत गर्मी थी तो इसलिए मैं बहुत ही गंदा था, तो इसलिए मैंने नहा लिया। और आपको स्कूल आया तो और जो स्कूल पे थोड़ा थोड़ा अमल कर रहे हैं तो सेफ्टी है, तो मतलब कि सही है, तो सेफ्टी है। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अब मैं करने जा रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मतलब कि जो मैं स्कूल से वापस आता हूँ तो टाइम मतलब के स्कूल में भी होते हैं कि पीरियड ये पढ़ना है टाइम के हिसाब से, तो मतलब के टाइम वाइज जो मैं काम करता हूँ वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं स्कूल गया था, कितने बजे, 6 बजे उठा था, 6 बजे मैं उठा था। फिर मैंने फ्रेश हुआ और तकरीबन मैंने सुबह आपको लगा के दिखा भी दिया, और 1 घंटे में मैं पूरा तैयार हो गया और पूरे 7:16 पर अंकल आ गए थे लेने, तो मैं चले गए। तो अब तो हो गया है, तो 1 बजे होती है मुझे छुट्टी, तो अभी तकरीबन बज रहे होंगे 2, क्योंकि मैं 1 बजे वापस आया। और 1 बजे वापस आने के बाद 1 बजे मैं वापस आया और 2 बजे मतलब के खाना खुना खा लेते हैं, मैं खाना खुना खा लेता हूँ, सारा फ्रेश हो लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं वापस आया, मैंने नहाया, मैंने अपना बैग रखा, तो बाकी मैंने नहा लिया, उसके बाद मैंने खाना खा लिया। तो अब तकरीबन बज रहे होंगे 2 या 2:15, तो फिर
दो बज गए तो अब मैं वीडियो करने लगाऊँ, क्योंकि जब 3 बज जाते हैं, जब 2 से लेके 3 तक मेरे पास 1 घंटा होता है, तब मैं सो जाता हूँ और अपनी नींद पूरी करता हूँ। तो इसलिए तो 1 घंटा मेरे पास वो होता है। तो अभी सिर्फ 2 बजे हैं, जो आप से हो गए होंगे, 2 से ऊपर होंगे। तो अभी मेरा सोने का टाइम है, तो इसलिए मैंने कहा आधा घंटा ले लूँ इधर से, क्योंकि वीडियो बनानी है। तो 1 घंटा लेके 3 बजे, तो फिर 3 बजे उठना, 4 बजे पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। बस 1 घंटा चाहिए होती है, बहुत ईजी होती है। जब कोई मुश्किल, मतलब कि एग्ज़ाम का दिन है, कोई बहुत ही मुश्किल काम हो, अगर स्कूल का, तब मुझे 2 घंटे लग जाते हैं, जब 1.5 घंटा लग जाता है। तो इसलिए मतलब कि जब मैं नॉर्मल काम होता है, वो तो 1 घंटे में हो जाता है, 1 घंटे में हो जाता है। तो मेरा होमवर्क 1 घंटे में हो जाता है, और उसके बाद 4 बजे, 4 बजे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आधा घंटा मेरे पास होता है रीडिंग का, और आधा घंटा होता है मेरे पास एक, दोनों आधा मतलब 5 बजे पूरा। तो 5 बजे पूरे मैं फारिग हो जाता हूँ। 5 बजे के बाद मैं मोबाइल पकड़ के एडिटिंग कर लेता हूँ। तो एडिटिंग कर लेता हूँ मैं, और काफ़ी दफ़ा मैं अगर कंप्यूटर से एडिटिंग करने लगूँ या लैपटॉप से करूँ तो बहुत ही देर लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर, मोबाइल के अंदर ज़्यादा इजी है, क्योंकि मोबाइल के अंदर ऐप्स होती हैं। पर जो कंप्यूटर के अंदर करना पड़ता है, वो कंप्यूटर के अंदर जो फंक्शन होता है, लैपटॉप के अंदर भी जो फंक्शन होता है ना, वो खुद एडिट करता है। मतलब कि उनके अंदर ऐप नहीं करनी पड़ती तो एडिट करते हैं, तो इसलिए वो ज़रा टफ है थोड़ी। तो मोबाइल में करना आसान है, तो मैं देखती हूँ दोनों में से आसान होती है। तो पर मोबाइल से जब मैं एडिटिंग करता हूँ, और फिर मेरी क्वालिटी लो होती है, क्योंकि मेरा मोबाइल पूरा फुल बड़ा हुआ है। तो फिर मैं थोड़ा खाली करके अपनी वीडियो इधर कैमरे से इधर ला के फिर मैं करता हूँ। तो 5 बजे तो गए फारिग, और फिर मोबाइल पकड़ के एडिटिंग कर लेता हूँ या लैपटॉप पे कर लेता हूँ। ज़्यादातर लैपटॉप से ही होती है मेरी। तो ये तो हो गया, तो इसमें मेरे दो दो 3 घंटे लग जाते हैं। तो फिर हम 8 या 9 बजे हम खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद मैं कुछ वीडियोस देख लेता हूँ, और 2-3 और काम भी होते हैं, और ऐप्स भी होती हैं कुछ, तो वो भी होते हैं। इसलिए तो जब मुझे उनको भी यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए भी मुझे टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए तो 9 बजे या 8 बजे, 8 बजे मतलब कि लगा लो, तो 8 बजे हम खा लेते हैं। तो 8 बजे खाने के बाद खाना, तो फिर कभी कभी होता है जब खाने का दिल ना हो, तो फिर 9 बजे, तो 8 बजे खाना खा के हम फिर या टीवी देख लो, या मोबाइल पे वीडियो देख लो, या मोबाइल पे कुछ कर लो। तो मैंने एक दिन लगाया, मतलब कि मेरे ना एक दिन मैं मतलब कि ब्लॉग लाता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, और दूसरे दिन डाल देता हूँ। वो जो एक दिन मैं एडिट करता हूँ और जो डालता हूँ, वो तो दिन मेरा एक तो अंदर से निकल जाता है, तो मैं अंदर से एक दिन लेता हूँ। तो इसलिए तो जो एक दिन मैं लेता हूँ, उसमें एडिटिंग करके जो मेरे पास टाइम बच जाता है, उसमें मैं टीवी देखता हूँ फिर, क्योंकि सारा वक्त जब मैं मोबाइल एडिटिंग करता हूँ, तो इसलिए मोबाइल पकड़ा रहता हूँ, तो इसलिए मैं फिर बाद में टीवी देख लेता हूँ। उस दिन मैं टीवी देख लेता हूँ, तो जब मैं यूट्यूब की वीडियो अपलोड करता हूँ, तब मैं मोबाइल पे, मतलब कि एक दिन मैं टीवी देखता हूँ, एक दिन मैं मोबाइल पे। तो इसलिए तो तकरीबन 10 के 11, मतलब कि 12 बजे सारे सो जाते हैं। तो सारे सो जाते हैं, तो फिर सुबह स्कूल के लिए उठना होता है। पहले तो उठना नहीं, पूरे 6 महीने छुट्टियां थी, इसलिए उठा नहीं। तो अब काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इसलिए तो बस मुझे यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। और शायद मैं बाद में देखूंगा कि फेसबुक पे, पता नहीं, मेरे क्लासरूम में ना मिस ने तस्वीर ली थी,
वो अपलोड कर देती हैं फेसबुक पे, तो शायद मैं देखूँगा फेसबुक पे हुई तो मैं अभी मैं कह नहीं सकता कुछ, तो चलो देखूँगा। तो अगर मुझे तस्वीर मिल गई तो यहाँ पे दिख रही होगी आपको, तो वो आप लोगों को देखती है, आप लोगों ने तस्वीर सही तरह नहीं देखी। जरा ये तस्वीर है, मैं क्लासरूम में बैठा हूँ और हम काम कर रहे थे और मिस ने तस्वीर फेंकी थी। तो ये अगर आप लोगों ने सही नहीं देखी तो मैं ना एंड में दे दूँगा, ये जब टाटा बाय बाय करूँगा ना तब मैं दे दूँगा। तो बस तो ऐसे ही होता है हमारे घर में, तो ज़्यादा टाइम तो मुझे व्लॉग लगाने लग जाता है, तो बाकी एप्स के ऊपर मेरा इतना ध्यान नहीं है। तो टिकटॉक वगैरह जैसे कि फेसबुक, तो मेरा ज़्यादा ध्यान मतलब कि 100% ध्यान मेरा यूट्यूब पे है, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे लग रहता हूँ सारा दिन। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं मेरा दिल नहीं चाहता यूट्यूब को खोलने का, क्योंकि मैं कभी इतना गुस्सा भी हो जाता हूँ वो ऐसे ही, मतलब कि कहीं वो मुझे गुस्सा आ जाए कोई, वाह कौन है, मैं बताना चाहता था इसलिए। तो अब हम जा रहे हैं, तो नए व्लॉग में मिलेंगे, और बाय बाय टाटा, और अब आप तस्वीर देख रहे हैं।